कर छोड़ी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे, देसी देसी। ऐसे तो किसी मोबाइल नंबर का डिटेल निकालना कानून जुर्म है, तो मैं क्यों ऐसी चीज़ बताऊँ जो कानून जुर्म है, उस चीज़ को क्यों बताया जाए। तो चलिए, वैसे भी बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ये दावा करती है कि भाई किसी मोबाइल नंबर का लोकेशन डिटेल, फुल डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये गलत है और बहुत गलत है और कोई भी देता नहीं है, सारे फेक बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे वेबसाइट बताऊँ जिसकी मदद से केवल आप ऑपरेटर एंड लोकेशन, यानी कि वो कौन से सिम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल है या वोडाफोन, और कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहाँ से, ऐसी मदद से आप इतना बस जान सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जान सकते। हाँ, वो कंपनी वेबसाइट दावा करती है कि अगर आप उस नंबर से ज़्यादा लोगों का कमेंट आ गया कि हाँ इस नंबर से मुझे भी परेशानी हो रही है, इस नंबर से मुझे भी परेशानी हो रही है, बहुत सारा कमेंट आएगा, उसके बाद वो कंपनी हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि वो आपको डिटेल दे दे, हो सकता है कि मैसेज कर दे, डिटेल मैसेज कर दे, वरना नहीं मैसेज की। अगर उसको लगेगा कि हाँ इस नंबर से ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैसेज करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो चलिए मैं कुछ वेबसाइट बता दूँ। तो सबसे पहला जिससे मैंने ट्रेस किया हुआ है, findandtrace.com, bestcaller.com, भारतीयमोबाइल.com, तीन वेबसाइट्स आप सर्च करिएगा, मोबाइल नंबर डाल के ट्रेस कर सकते हैं, जिसकी जिससे मैंने ट्रेस किया है, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ। तो इससे ट्रेस करके मैंने पता लगाया, वैसे तो ट्रेस करना ये जुर्म है, बाय द वे मैं सलाह दूंगा कि आप जुर्म ना करें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बस पता लगा सकते हैं, अगर नंबर से ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप, हो सकता है आप कंप्लेन करें, आप शिकायत करें उसकी, अपने नियर जो भी आपका थाना है उसमें शिकायत करके आप वहाँ से ट्रेस करा सकते हैं। हाँ, इसकी ट्रेसिंग पुलिस द्वारा हो सकती है, पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा हो सकती है, लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है, पुलिस ही कर सकती है। इसलिए जुर्म अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप कंप्लेन कीजिए, आपका ये ट्रेस हो जाएगा, ये हो सकता है पता भी लग सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलो। सो तक, बेस्ट ऑफ लक।